अनदर क्वेश्चन ऑफ द सिमिलर कैटेगरी, बट पिछले दो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो, ऊपर डिग्रीज जो थी एक्स के दो दो फंक्शन से, ठीक है, और इस क्वेश्चन में एक्स का एक फंक्शन है। मैंने आपको कहा ऐसे क्वेश्चंस को दो तरीके से किया जाता है, एक तो हाईएस्ट डिग्री कॉमन निकालो, मुद्दा वही है हमारा, नीचे टी पैदा हो और ऊपर डी टी पैदा हो, करना यही है। बट माइंड में एक रह जाता है कि जब बड़ी पावर्स हो हम ये कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं एक्स की पार फोर कॉमन निकालता हूँ, बाहर आ जाएगा एक्स की पार एट। पहले मन में सोचो, एक्स की पार एट कॉमन करते ही अंदर क्या बचा, वन, एक्स की पार माइनस थ्री और एक्स की पार माइनस फोर। एक्स की पार माइनस फोर का, एक्स की पार माइनस फोर का डेरिवेटिव माइनस फोर एक्स की पार, और बाहर एक्स एट आया था, क्या आया था, एट, एक्स फोर ओवर एक्स एट, कोई एक्स की पार फाइव जनरेट नहीं कर पा रहा। यस और नो, मतलब यहां पे ये वो टेक्निक फेल हो गई। सेकंड मेथड क्या बताया था, टेक द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर कॉमन। तो ये जो बैकग्राउंड वर्किंग है ना इश्मीत, ये दिमाग में सोचनी है तो आगे बढ़ना है। अब अगर मैं सेकंड हाईएस्ट पावर देखूं बाहर, तो अगर मैं ऊपर चेंज ही नहीं करता, यही रहने देता हूं, नीचे से एक्स बाहर आ गया, ब्रैकेट से बाहर लेके आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अंदर क्या आया एक्स क्यूब, एक्स की जगह वन और वन की जगह वन अपॉन एक्स। क्या ये बात सबको समझ आई, बोलो जी। अब ऊपर देखो क्या बन चुका है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बात समझ आई, ये इससे भी डिवाइड हो गया, इससे भी हो गया, अपॉन नीचे क्या है एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स प्लस वन का। अब नोटिस करो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या ऊपर है जनरेटेड, तो क्या टी पुट करूं, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स प्लस, और डी टी क्या बना, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बेटा मेरा आई देखो क्या बन गया इस क्वेश्चन का, ये ऊपर डी टी और नीचे क्या है टी स्क्वायर, तो आई क्या बन गया वन पॉइंट टी स्क्वायर बना, टी की पावर माइनस टू, और टी की पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन टी। क्या ये बात समझ आई, प्लस सी, और माइनस वन अपॉन टी की जगह क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स प्लस वन प्लस सी, दैट्स माई आंसर। करिए जी नोट।